ने एक तो एससी में नायक बिरादरी है जो कि पहली बैकवर्ड होती बन एससी में ले लिया बाने सर्टिफिकेट बन तो नायक का 100% वोट है मैं बीजेपी में जाना आ रही। मतलब नायक बिरादरी का फायदा हो गया क्योंकि वह बीसी लेके एससी में आ गया, एससी में आ गया तो वो काम बीजेपी करे बीजेपी बिना पर्ची खर्ची में नौकरी दी है, बिना पैसा नौकरी दी है। एक गांव में और भी गया में बैठा भाई यही बात की चर्चा नहीं, नायक समाज तो है जो सारो एक जगह था वो। अच्छा ठीक है। नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का पहरेदार भारत न्यूज़ पे। और आज हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गांव उमेदपुरा में जो एलनाबाद हलके के अंडर में आता है। तो यहां पर कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं गांव की रिपोर्ट जो है वो क्या बोलते हैं, गांव की जनता जो है वो किसको जिता के आगे अपना लीडर बनाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इनसे। राम राम जी। राम राम भाई राम। और जी तबीयत पानी ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। चुनावों के माहौल चला है जी? चुनाव में अभी तो पहली तो लोक दल आ गई गांव में। अच्छा जी। कांडा साहब को माहौल है अब बीजेपी को ठीक हो रही है, गरीब आदमी जगह है वह बीजेपी का नहीं हो गया सारा, मतलब जगह गरीब तब को है बीजेपी का ज्यादा रुझान है। ठीक है। और बताओ जी गांव में कि कितना वोट है अपने टोटल? गांव में 1600 वोट है। किन ज्यादा वोट मिलन लाग रहे हैं और कितना वोट मिलन लाग रहे हैं? तो लोक दल का वोट ज्यादा गांव में। हाँ जी। अब बीजेपी का वोट भी बराबर का होने लग रहा है, बदलना आ रहा है दिनों दिन, माहौल ठीक हो गया गांव में। गांव में तीसरे नंबर पर पार्टी रहना रही किसी? कांग्रेस रहेगी तीसरे नंबर। गांव में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगा। ठीक है। तो कितना वोट है जका बीजेपी ने मिल सके, कितना इन्हें लोन मिला? बीजेपी ने एक तो एससी में नायक बिरादरी है जो कि पहली बैकवर्ड होती बन एससी में ले लिया बाने सर्टिफिकेट बना तो नायक का 100% वोट है मैं बीजेपी में जाना आ रही। मतलब नायक बिरादरी का फायदा हो गया क्योंकि मैं बीसी लेके एससी में आ गया, एससी में आ गया तो वो काम बीजेपी करे हो, बीजेपी करे। ठीक है। तो मैं नायक का वोट सारा आना रहे। हाँ जी। एक गरीब आदमी है जगह यहाँ कहे भाई मारी इन पार्टी में कोई चौधरी को नहीं, मैं ही चौधरी हूँ, मैं गरीब आदमी खतरे इन वोट ज़्यादा देवे। कांग्रेस में अलग चौधरी है पुराना, लोक दल में अलग चौधरी है, बीजेपी ने मैं कोई चौधरी को नहीं, मतलब बीजेपी को जो भी बंदो बीजेपी में जुड़ा वो ये सोचा भी आप मेरी पार्टी है। मेरी पार्टी ठीक है, मतलब वो लीडर खुद ने माना, गरीब आदमी का कारण ज्यादा जुड़े हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ पर्सन से मिलते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। राम राम जी। राम राम भैया। के माहौल लगा मैं चुनाव को? माहौल अच्छा है। किसी पार्टी जान लाग रही आकर? मौका ही तो किसी को नहीं, बाकी पहला लोक दल को ज्यादा वोट है जोर है। देखो के माहौल है, अगर बात करा बीजेपी को, कांग्रेस को और इन लोगों तो के माहौल है? किसी पार्टी है जबकि सारों कम वोट लेके निकल सका, किसी पार्टी है जबकि सारों ज्यादा वोट लेके निकलेगी? सारों ज्यादा तो देखो जी लोग दल ही लेके निकलेगी। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और लोगों से भी मिलने की कोशिश करते हैं, गांव की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम लोग करेंगे। और सर आप बताएंगे जी थोड़ा बहुत, मैं कोई चुनाव में रोक होने के तो चलो मिलते हैं जी किसी और से और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता जनार्दन है वो किसके सर पे जीत का सहरा सजाएगी। चलिए गांव की तरफ रुक करते हैं, यहीं से अपना गांव स्टार्ट हो जाएगा। गांव के बाहर ही कुछ लोग जो है वो बैठे थे किसी शॉप पे, तो चलो गांव की तरफ चलते हैं। जो है बुजुर्ग मिले उनसे मिलते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। और जी तबीयत पानी ठीक है? एकदम चौपाल सजा रखी है पूरी पूरी। के माहौल है जी चुनाव को? माहौल भाई मारे तरफ तो अच्छा, बीजेपी को है, बीजेपी जीतने लग रही है। कितना वोट है जगह बीजेपी ने मिलेगा जी? 300 वोट तो हमारा है जगह तो जाएगा। 300 वोट जी। हमें बैठे एक अड्डे पर करी तो बैठे यहाँ बताया कि नायक तब को है जो गांव को वो सारो को सारो बीजेपी का नहीं है। वो ये हो। अच्छा वो ये मतलब पूरा थारा 100 का 100 वोट जगह 100% वोट है जगह थारा का। मैं नहीं चीज है ये जदी मैं बट सुन गया आयो नहीं आ चीज मैं सुन गया कि जो नायक तब को है वो सारो को सारो बीजेपी का नहीं जान लाग रहे। ठीक है जी। लिखिया तो हरिजन ने कोटो मिली रो हरिजन का लागता 12.5 नंबर मेरे छोरे का फालतू और वो कम नंबर वालो लग गए बोलो क्यों माने कोटो कौन मिले रो माने कोटो मिल गयो मारो खुशी है बीजेपी सरकार खुश करे दो छोरे टपदानी सी नौकरी लग गया सारो एक जगह जागो। अच्छा ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम अंकल जी। और जी तबीयत पानी ठीक है? ठीक है। मैंने तो यार ध्यान कोई नहीं तेरी वोट तो की नहीं दोगा घरे तो कौन रखो ना वोट तो दे जो मैंने तो ध्यान कोई नहीं। चलो ठीक है पाऊँ मिलांगा फिर आ जाओ जी। राम राम जी। राम राम। हाँ जी आपनों के समाज है? मारो समाज कांग्रेस ही है। कांग्रेस का नहीं हो?
कांग्रेस का किताब वोट है काम है ये ब्रो अपन काम का देगा कि नहीं देगा अपन अपनो तो कांग्रेस को थारा एक लांग वोट तो कांग्रेस ने अंकल जी अपन बतावांगा की राम राम जी ओ बतान कौन दिया के आके के की कौन कहनो कहनो कौन बोल दो कौन बोल दीजिए देखो है तो केला कहन लाग रहा है कि बोल जा कि तो बता बुड़ जाऊंगा ले रहूं रंदा को ले रहूं रंदा को मतलब डर है कटन कटा चलो आऊं मिला जी राम राम जी के माहौल है जी गांव में चुनाव हो बेर कौन धन बेर कौन नहीं थे बताओगा थारो काम है मेरो काम तो है कोनी नहीं हो गम को के बेरो पड़े तो आपा किसी पार्टी ने चिताना में आपनो तो बेरो है आज जीते कोई सवाल नहीं कोनी तो किसी किसी पार्टी का नेता अपने काम आ गया बेर कौन मैं तब आयो मान बेरी कौन माहौल है किन चुन वोट बांट देने को सवाल है वोट भी बराबर का लड़ा तीनों अच्छा पर तीनों एक सा या एक सी बात है तीनों जो को वोट दे नहीं पोई के वो जीतो गए जो कन देने कोई आई के अपन किसी पार्टी जीतावा आपनो इते पूरा मन बने को नहीं तो गम में अगर बात करो बीजेपी का किता को उसका कांग्रेस का किता को इने लोग बीजेपी का कम लगा अब तो अच्छा इने लोग ज्यादा होगा इने लोग ज्यादा लगा बीजेपी का कम कांग्रेस इने लोग टक्कर में रहेगी कांग्रेस में जी पवन बेनीवाल है तो कांग्रेस में आए हुए हैं पहला की टाइम में इने लोग सागे जुड़ेड़ो ठीक है तो रोजगार नुआ नुआ बड़े फिर तो कम जाना चाहिए कांग्रेस का नहीं कांग्रेस का नहीं कम कौन जाना कांग्रेस नहीं लोग ज्यादा चाह है ना ये अण तो लहर बनेड़ी हो दूसरे बने के खातिर कौन बिल्लू अच्छा बनेड़े उन्होंने पहले इस्तीफे दे दिया अब कोई और ने लड़ा दिया इलेक्शन आपकी पार्टी को कोई और देखा रहे किसाना खातिर दी होगी कह के महापंचायत हुई चोपटा में तो भी मैं किसान ना ही खड़े हो रहे बतावा किसान कह में करार कह में बिठावा किसान आप पे काम लाग रहे पकड़ तू करे पकड़ तू आदमी बे करे किसान ने टाइम ही कोनी मैं तो आज मौसम ठंडो हो गए थोड़ो सो गुवार निकले कोनी गुवार का डर नहीं जो किसान जका बॉर्डर पर बैठे है अपना फिर बिंग बारे में के राय दे थारी बिंग पर ये मूर्ख दे बैठे है कोई किसान आपको काम लाग रहे है खेती बाड़ी संभाले घर संभाले आपको बीजे भाई को काम है तो गांव में रुझान की अगर बात करें तो ये जो गांव है उमेदपुरा इसके अंदर बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लीड कर रही है आगे निकल के जा रही है ज़्यादा वोट जो है आप लोगों ने सुना ही होगा जो जनता है उन्हीं की जबानी सुनाई हम लोगों ने कि बीजेपी जो है वो ग्रोथ कर रही है जो गोविंद कांडा है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी छवि सुधारी है जो स्टार्टिंग में जो रुझान था वो बदलने वाला है और चुनाव तक काफ़ी बदल जाएगा ये लोग जो है उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक चुनाव होगा चुनाव की अगर डेट की बात करें अगर 30 तारीख तक चुनाव जो है वो एक तरफा चला जा सकता है बीजेपी की साइड थैंक यू सो मच